हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप टीचमेंट ऐप पर किस तरीके से टेस्ट कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मेरा इनरोलमेंट लिखा हुआ है। यहाँ इनरोल कर सकते हैं किसी भी क्लास पर जाना हो तो। बाकी जैसे कि हमारी ये फिजिक्स क्लास 12th की क्लास है, तो क्लास 12th का बच्चा कोई किस तरीके से देना चाहेगा, या क्लास 11th है तो 11th का बच्चा कैसे टेस्ट देगा वो हम देखते हैं। किसी भी क्लास का बच्चा टेस्ट दे सकता है। उसके लिए आपको अपनी क्लास पर क्लिक करना है। जैसे मैं अभी क्लास 12th पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ओपन हो जाएगा। तो ये मैंने ओपन कर लिया है इसको। अब यहाँ ओपन करते ही ऑप्शन आ रहे हैं इसकी समरी, लाइव लेक्चर लिए हैं तो सर ने क्लास 12th के लाइव लेक्चर को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट, देखो यहाँ पर 4 टेस्ट हैं जो कि मैंने किए ही नहीं है, तो वो अटेम्प्टेड टेस्ट को दिखा रहा है यहाँ पर। तो चेक करते हैं कितने टेस्ट हैं और कौन सा टेस्ट करना है और किस तरह से हम अटेम्प्ट कराएंगे। तो देखिए टेस्ट पर क्लिक करते हैं। टेस्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर टेस्ट में आ रहा है ये ऑन गोइंग। यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट ऑन गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब है कि टेस्ट यहाँ पर चल रहा है। सॉरी, ऑन गोइंग का मतलब क्या है, टेस्ट चल रहा है। देखिए टेस्ट की टाइमिंग भी है 8 PM। 8 PM से इसकी टाइमिंग सर ने रखी है 3 आवर्स, यानी कि 8 बजे से ये 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक चलता रहेगा ये टेस्ट, ठीक है। बाकी इसके बाद का जो टेस्ट है, ये वाला टेस्ट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, ये वाला नीचे वाला अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। ये भी 8 बजे से ही था, 2 घंटे इसका टाइम था, 4 फरवरी को। कल हम इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो इसके लिए ये लिखी आ रही डेडलाइन। इस टेस्ट को हम देख सकते हैं, जो टेस्ट हमने नहीं दिया है उसका टाइम निकल गया, उसको केवल हम व्यू कर सकते हैं यानी देख सकते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे ये टेस्ट है, अगर हम इस टेस्ट को करते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन है। साथ ही अगर हम इसको बड़ा करके देखना चाहें तो ऐसे बड़ा करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 7 के बाद के क्वेश्चन देखने हैं तो आपको क्या करना होगा कि ये जो बना हुआ है एरो, इस एरो पर क्लिक करना है और आगे के क्वेश्चन आ जाएंगे। ये देखो क्वेश्चन आगे इस तरह से। आइए अब मैं आपको टेस्ट देकर बताता हूँ। देखिए अब मैं इस ऑन गोइंग टेस्ट पर क्लिक करूँगा। ऐसे क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पर ऑन गोइंग लिखा आ रहा है। नीचे हम जाएंगे और लिखा हुआ है यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट। अब स्टार्ट टेस्ट के ऊपर मैं क्या करूँगा, क्लिक और टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो टेस्ट, चलिए टेस्ट चेक करते हैं। अब यहाँ पर लोडिंग होके आ रहा है टेस्ट, ये लोड होके आ गया। अब जैसे कि मुझे पहला क्वेश्चन साफ देखना है, अच्छे से देखना है, तो मैं इसको ऐसे करके जूम करूँगा, ऐसे करके जूम कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जूम हो गया, और जूम करके हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ टाइम चल रहा है, यहाँ पर ये टाइम चल रहा है टेस्ट का, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसको हम देखते हैं। इसमें कह रहा है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक, तो पहले का ऑप्शन क्या लग रहा है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक, तो इसका होता है क्या, वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता का होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा इसका। तो डी लगा दिया ऐसे करके। अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दूसरा वाले का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट करेंगे 8 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मान लेते हैं बी। ऐसे करके हम क्या करेंगे, आंसर करते जाएंगे, ठीक है। ये 8, 9, 9 तक के हो जाएंगे। इसके बाद इधर दे रखे हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23 तक के हो गए, 23 तक के हो गए। अब जो बच्चे कहते हैं कि सर हमें सेकंड वाला पेज नहीं दिख रहा है, यानी कि अब उस 23 के बाद कहाँ है, तो आपको बेटा यहाँ पर क्लिक करना है, इस जगह पर, ये जो एरो दिख रहा है ना, ये वाला एरो, इस एरो एरो पर क्लिक करना है। देखिए क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज खुल के आ जाएगा। ये दूसरा पेज आ चुका है, ये 23 से 27 वाले, ठीक है, 23 से 27 का पेज है ये, और ये पेज आ चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से ABCD करके जो भी अपना आंसर दे सकते हैं। ये अब ये इस तरफ ये आ गया, पीछे क्वेश्चनों पे जाना है तो इस एरो पे, इस तरफ के पे क्लिक करेंगे तो हम पीछे जा सकते हैं, पीछे वाले पेज पे, ये पीछे वाले पेज पे आ गए हम, ठीक है, पीछे वाले पे चुके हैं। यहाँ से इस तरीके से इसको जूम करके हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, बाकी आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। जैसे ए तीसरे का ये है,
जैसे इसका देना चाहें ऐसे कर सकते हैं इसको, या नेक्स्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी आंसर दे सकते हो अपना, जो आपको अच्छा लग रहा हो वो आंसर कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, जो भी आंसर हो मैं एक तरीके से करके बता रहा हूँ ये आंसर सही है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको करना सिखा रहा हूँ। ऐसे बी लगाया, नेस्ट कर दिया, फिर ये करा, नेस्ट किया, अब ये 16 क्वेश्चन आ गया, इस पे सी किया, नेस्ट किया, इस पे भी सी कर दिया, कुछ भी कर दो। मैं अभी आपको केवल करना बता रहा हूँ कि ये दबाएंगे नेस्ट करेंगे, कुछ भी जो आपको आंसर लग रहा हो करेक्ट आंसर करेंगे, नेस्ट करेंगे, करेक्ट आंसर करो, नेस्ट करो। अब ये देखते हैं कितने सही जाएंगे कितने गलत जाएंगे, तो उसके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये करने के बाद ये ऊपर लिखा रहता है सबमिट टेस्ट। अब सबमिट टेस्ट करना है आप लोगों को, क्या करना है, सबमिट टेस्ट। सबमिट टेस्ट करेंगे वैसे ही ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टेस्ट सबमिट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं दोबारा से टेस्ट देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ गो बैक भी लगा सकते हैं, गो बैक पे क्लिक करते ही वापस आ जाएंगे, और अगर सबमिट कर दिया तो टेस्ट सबमिट हो जाएगा। तो देखिए करते हैं सबमिट, और सबमिट करने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है कि योर टेस्ट इज़ सबमिटेड एंड यू आर, मतलब कि मेरे 18 नंबर आए हैं 54 में से, कितने हैं 18 नंबर आ गए हैं, ठीक है। तो ये तुक्के में भी इतने नंबर आ गए, अच्छी बात है ना। चलिए तो ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त रही होगी, और